ट्रांसफॉर्मर्स को पैरेलल में कनेक्ट करके और उनको बिना ओवरलोड के मैक्सिमम कितना लोड डिलीवर किया जा सकता है वो इस न्यूमेरिकल के थ्रू हम समझने की कोशिश करें। तो हमारे पास डाटा है टू सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर से थे। वन इज रेटेड 1000 KVA, हमारा जो पहला ट्रांसफॉर्मर है उसकी रेटिंग है 1000 KVA और दूसरा ट्रांसफॉर्मर हमारे पास है 500 KVA। एंड बोथ दोनों ट्रांसफॉर्मर के हमारे पास लीकेज इम्पीडेंस भी हैं, दे आर Z1 इज इक्वल टू 0.02 प्लस J.06। एंड दूसरे ट्रांसफॉर्मर का जो इम्पीडेंस है दैट इज गिवन एज Z2 इज इक्वल टू 0.024 प्लस J.08। तो अब हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट केवीए लोड दैट कैन बी डिलीवर्ड बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि हम दोनों ट्रांसफॉर्मर में से किसी को ओवरलोड भी ना करें। तो हमें इस बार S1 या S2 नहीं, ओवरऑल टोटल S निकालना है जो कि मैक्सिमम हम शेयर करवा सकते हैं दोनों ट्रांसफॉर्मर से। सबसे पहले हम इनके फेजर वैल्यूज ले लें और कोशिश करेंगे जब भी हमें बेस वैल्यू की जरूरत हो, एक ट्रांसफॉर्मर का पावर है 1000, दूसरे का 500 KVA, तो जो बेस वैल्यू लेंगे वो हम मैक्सिमम वाली दैट इज 1000 KVA लेंगे। तो सबसे पहले Z1 का फेजर वैल्यू क्या आएगा, 0.02 प्लस J.06 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं फेजर वैल्यूज में, तो वी ऑब्टेन 0.0632 विद एंगल ऑफ 71.565। द एंगल इज टेन इनवर्स ऑफ बी बाय ए एंड द एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। सेम वे हमें दूसरे ट्रांसफॉर्मर के लिए फेजर वैल्यूज निकालनी है। अब चूंकि दोनों के केवीए रेटिंग अलग अलग हैं, तो जैसे मैंने कहा वी विल टेक अ बेस वैल्यू ऑफ 1000 KVA। तो हमें आसान हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर्स के रिस्पेक्टिव कैलकुलेशन करने के लिए। तो अब हमारे पास Z2 जो है दूसरे ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस है, उसके लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय दी बेस वैल्यू एंड डिवाइड बाय दी एक्चुअल रेटिंग। सो हियर फ्रॉम वी गेट दी सेकेंड ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस एज कैलकुलेशन ऑफ दिस बेस वैल्यू इंक्लूडेड। तो जो आता है दैट वैल्यू कम्स एज 0.167 विथ एंगल ऑफ 73.3 डिग्री। एंड टोटल इम्पीडेंस फ्रॉम दीज टू दैट इज Z1 प्लस Z2, इट इज Z1 प्लस Z2 एंड समिंग अप दीज टू फॉर सेम बेस वैल्यूज वी गेट 0.2302 विथ एंगल ऑफ 72.43 डिग्री। ओके, सो हियर वी हैव गॉट ऑल द टर्म्स रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ लोड शेयरिंग बाय बोथ द ट्रांसफॉर्मर्स। तो हमारी लोड शेयरिंग का जो फॉर्मूला है इट इज एक्चुअली S1 इज इक्वल टू Z2 बाय Z1 प्लस Z2 S। मगर यहाँ हमारे पास जो कॉम्पोनेंट्स अवेलेबल हैं दे आर S1, Z2, Z1 एंड Z2। तो यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, टोटल केवीए लोड दैट इज SL। तो बाय मॉडिफाइंग द फॉर्मूला वी गेट SL इज इक्वल टू S1 इनटू समेशन ऑफ Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाय Z2। ओके, वैल्यूज आर गिवन like we are having Z2 is equal to 0.167 angle 73.3 divided by our Z2 is 0.0, we have to convert it, we have already converted 0.167 is okay, summation is 0.2302. okay, so this would be our denominator. Okay, so let us cancel and revise. As one is given as 1000 KVA, so 1000, and then we have to write down summation that is 0.2302
with the angle 72.43 degree and divided by this 0.167 angle of 73.3 degree. तो यहां से जब हम कैलकुलेट करके निकालेंगे what P obtain is 1382.63 kVA. तो ये हो गया लोड सप्लाइड by obtaining it from the S1, that is transformer 1 का जो रेटिंग है उससे. इसी लाइंस पर जब हम दूसरे ट्रांसफॉर्मर से लोड शेयरिंग निकालते हैं, we have the formula as S2 into Z1 plus Z2 divided by Z1. So what will be obtained? यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफॉर्मर रेटिंग है 500 और Z1 plus Z2 जहाँ ये लिखा है 0.2302 with angle 72.43 degree divided by our Z1 was 0.0632 angle 71.565. So by solving this, what we obtain is 1826.74 kV. But here it does not complete the problem. हम देख रहे हैं कि PU basis पर unit basis पर कैसे ratio में share होगा transformers में load. ये जो Z1 है, that is much less than the Z2 value. ठीक है, तो क्या होगा, जब भी ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन पर, जो ट्रांसफार्मर 1 है, क्योंकि उसका पर यूनिट वैल्यूज लोड इंपीडेंस का कम है, इट विल रीच इट्स मैक्सिमम रेटिंग वैल्यू, वो उतना शेयर कर लेगा. फिर उसके बाद जो ट्रांसफार्मर 2 है वो बचा हुआ लोड शेयर करेगा. सो दिस टोटल लोड वॉज से जो फर्स्ट ट्रांसफार्मर के साथ आ रहा था 1382.63, इसमें से ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 1000 केवीए, वो मैक्सिमम उतना लोड ले लेगा. तो जो बचा हुआ है, जो एसएल में से बचता है, दैट कम्स एज द लोड शेयर बाय द सेकंड ट्रांसफार्मर एंड इट वुड बी 1382.63 माइनस 1000 केवीए. तो जो दूसरा ट्रांसफार्मर शेयर कर पा रहा है, दैट इज 3382.63 kVA, सेकेंड ट्रांसफार्मर की जो शेयरिंग है लोड की. तो जो लार्जेस्ट पॉसिबल केवीए दोनों ट्रांसफार्मर की वजह से लोड का है पॉसिबल, दैट वुड बी इन द रेशियो ऑफ देयर इम्पीडेंसेस अगेन. सो जो टोटल केवीए शेयरिंग है, वी कैन एक्सप्रेस इट एज टोटल केवीए is equal to what we call 1000 was first transformer share plus जो दूसरे transformer का share है उसके own base पे हम लेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम जो calculation कर रहे थे वो common base ले लिया था 1000 के भी है. तो ये उसके impedance ratio के base पर रहेगा. So it would be S2 by S1 into the Z2. Okay, and this will be multiplied by 500. So what we obtain again from here, its own base, we get 1382.63 kVA. यहाँ भी हमें आंसर आता है. And the answer, it implies that कि जो भी ट्रांसफॉर्मर का इम्पिडेंस रेशियो कम होगा वो सबसे पहले मैक्सिमम लोड शेयर करेगा, रिमेनिंग लोड विल बी शेयर्ड बाय द अदर ट्रांसफॉर्मर.